गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम टेकिंग अ स्टैंडर्ड यूकेजी क्लास एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड विथ CH एंड TH। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको आप लोगों को फिर से पढ़ना है, ठीक है। CH एंड TH, वर्ड विथ CH एंड TH। इसमें आपको वर्ड देंगे जिसमें आपको CH और TH लिख करके आपको वर्ड्स बनाना है, नया वर्ड्स बनाना है, ओके। जैसे यहां पर हम दे रहे हैं R I, यहां पर हम क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे या TH लिखेंगे, आपको यही देना है, यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको मिला करके आपको चॉइस करना है कि इसमें क्या आपको लगेगा, टी एच लगेगा या सी एच लगेगा। हम लोग क्या है इसमें आर आई सी एच, आर आई ए एस, आर आई सी एच, रिच। देखिए आर आई टी एच कोई वर्ड बन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये गलत वर्ड है, इसलिए हम इसको चॉइस, दोनों में से हम किसी को जो इसमें यूज हो रहा है उसको हम चॉइस करके इसमें लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए ए आई एन, इसमें मिलाते हैं हम सी एच एंड टी एच। इसमें देखिए सी एच एंड टी एच, इसमें हम दोनों को हम क्या इसमें यूज करेंगे बताइए आप। टी एच ए आई एन कोई वर्ड बन रहा है आपका, नहीं बन रहा है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम सी एच, क्या करेंगे हम सी एच, सी एच ए आई एन चैन। इसके बाद आते हैं ए एन टी आंट, आंट चीटी वाला आंट नहीं है, इसमें फिर हम देखेंगे टी एच। यहाँ पर साइड में हम इस लिख रहे हैं सिर्फ आपको मतलब समझाने के लिए, लेकिन आपको नहीं लिखना है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी एच ए एन टी कोई वर्ड आपका बन रहा है, बन रहा है तो लिखेंगे, नहीं बन रहा है तो नहीं लिखेंगे। टी एच एन टी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, अगर टी नहीं होता तो टी एच एन देन हो जाता, लेकिन इसमें आपको सी एच यूज करना है, क्या करना है आपको सी एच। अब यहाँ पर देखिए डी आई डी आई टी सी एच, इसमें हम क्या यूज करेंगे, सी एच यूज करेंगे या टी एच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, करेंगे हम लोग सी एच, डी आई टी सी एच, ठीक है। इसी तरह से आपको चॉइस करके आपको लिखना है सी एच सी एच ई ई एस टी, इसमें क्या लिखेंगे हम सी एच, बी ई एन इसमें भी हम क्या लिखेंगे सी एच, बी आई टी अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सी एच, इसके बाद हम आते हैं आई ई एफ, आई ई एफ इसमें हम क्या लिखेंगे सी एच लिखेंगे या टी एच लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी एच, टी एच लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा, टी एच आई ई एफ ठीक। बी ए, अब इसमें क्या लिखेंगे टी एच लिखेंगे या सी एच, टी एच या सी एच, यहाँ पे लिखेंगे हम टी एच बात। यहाँ पे देखिए आर ई ए सी एच, सी एच लगाएंगे टी एच नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सी एच आई ई एफ सी ओ आई ई एफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी एच। फिर यहां देखिए एन ओ आर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए टी एच या सी एच, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी एच। ई ए आर, अब इसमें देखिए ई ए आर ईयर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या यूज करेंगे हम टी एच यूज करेंगे या सी एच, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम टी एच। ए टी एट, इसमें इसके आगे हम क्या लिखेंगे सी एच या टी एच, यहाँ पे लिखेंगे टी एच। टी डबल ई, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे टी एच। अब यहाँ पर देखिए ए एन जी ई, यहाँ पर क्या लिखेंगे सी एच। इसी तरह से आपको
करके मैं आप सी एच और टी एच को हर से आपको इसमें वर्ड में आपको मेंटेन करना है, ये वर्ड सही सही वर्ड बने, ये नहीं कि आपको जिसमें आ गया उसमें आप लिख लीजिए, ऐसा नहीं, वर्ड बनाना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं हम बी आर ई ए, अब यहाँ क्या करेंगे हम टी एच, ये आपका अभी कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका इसका है इंग्लिश प्रायमर बुक का है, बुक देख रहे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, ओके। ये आपका क्लास वर्क और होमवर्क में आपका है पेज नंबर 4 और 5 को रीड करना है, रीड करना है, क्या करना है आपको, रीड करना है पेज नंबर 5 इंग्लिश प्राइमर का, इंग्लिश प्राइमर बुक का क्या करेंगे हम, रीड पेज नंबर 4 और 5। इसके बाद आते हैं हम लोग पिक्चर डिक्शनरी, पिक्चर डिक्शनरी में आज चैप्टर 2 का हम करेंगे मी एंड मी फैमिली, मी एंड मी माई फैमिली, मी एंड माई फैमिली, ठीक है। माई फैमिली हम पढ़ा चुके हैं, माई फैमिली में आपका कौन कौन रहते हैं उसका आपका नेम लिखना है, ओके। क्या नाम लिखना है जिसमें आपको फैमिली में कौन कौन से मिलते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, मी, कजन सिस्टर, ये सब आपका आ रहा है ना, ये सब आपका फैमिली में आ रहा है, तो आपको जो जो फैमिली में आपको जो भी मेंबर है उसका है आपको करना है कि फादर, मदर, ब्रदर, ये सब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क और रीड भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और रीड इसको क्या करना है, चैप्टर 2 को आपको रीड करना है शिक्षा डिक्शनरी। अब आते हैं हम लोग कर्सिव राइटिंग बुक में, कर्सिव राइटिंग बुक में हम जे तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज के का करेंगे, के लिखना सीखेंगे, कैसे के लिखा जाता है, के फॉर काइट एंड के फॉर इन, जे इस तरह से होता है के, और स्मॉल में लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं हम कैसे लिखा स्टार्टिंग करना है और कैसे आपको कंप्लीट करना है, देखिए आप इस तरह से किए, इस तरह से किए, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से उठाएं, फिर नीचे लिखा है और फिर बीच से हम ऐसे लिखे, आपका हो गया कैपिटल राइटिंग, कैपिटल के राइटिंग, स्पर्सिव राइटिंग, ठीक है। स्मॉल में देखिए कैसे लिखा गया जाएगा, स्मॉल में इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे थर्ड लाइन से, बुक में आपको दिखाई दे रही होगी स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से ऐसे करके, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे, जब क्या हो गया स्मॉल के, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 24 और 25 आपका राइटिंग बुक में आपका लिखना है, ठीक है, कर्सिव राइटिंग बुक में आपको पेज नंबर 24 और 25। इसके बाद हम आते हैं इसमें मैच द पिक्चर विद देयर फर्स्ट लेटर, इसमें मैचिंग करना है आपको फर्स्ट लेटर, देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल है ना, गर्ल है और फिश है, इसमें मैच द पिक्चर द फर्स्ट लेटर, इसमें जो फर्स्ट लेटर जो लिखा हुआ उसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है, मैचिंग करना है, जैसे कि हम लोग मैचिंग करते हैं ना, यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है तो इस तरह से मैचिंग करेंगे, ठीक है।
फिश है तो कहाँ पर फिश दिखाई दे रहा है आपको, इस तरफ, तो यहाँ पे करेंगे। के फॉर काइट तो इधर करेंगे, बी फॉर बॉल इधर करेंगे, ठीक है, ये आपको बिल्कुल कर देना है। ओके बस इतने तक रखते हैं आज, और आपको कहाँ एग्जाम ही नजदीक का आ रहा है तो इसको लिए आपको कम्प्लीट करना होगा, इसलिए फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।